हाल चल चल रहे आप सबके, मैं आ चुका नई वीडियो के साथ वापिस। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.18। तो भाई इस वर्जन के अंदर हम लोग अच्छे से खेलेंगे, और पिछले वाली वीडियो के अंदर मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाया क्योंकि वो डिवाइस बहुत लैग करता था। तो गाइस अगर आपको इस मतलब गेम के अंदर भी लैग आपको कहीं शो हो तो उसके लिए सॉरी। सो गाइस चलिए अब हम लेट्स गेट स्टार्टेड अवर सर्वाइवल सीरीज पार्ट 1। सो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब के बटन पे अपना एक वन पंच मैन वाला सीरियस सीरीज का धड़ मुक्का मारो, पंच करके फिर लाइक के बटन को दबाओ और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि आप हमारी सारी वीडियोस को पा सकें। ओके सो गाइस हम लोग एक स्पॉन हुए हैं ओपन बायोम में। लकी स्पॉन है और भाई साहब भाई मैं विलेज के सामने ही हूँ लिटरली भाई, भगवान कसम भाई मैं आपको बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। तो चलो भाई फटाफट हम लोग अपनी माइनक्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं तो मारूंगा आयरन गोलम चचा गो साहब, क्या लकी स्पॉन एवर है यार मेरा तो। तो ऐसा चलो गाइस स्टार्ट कर देते हैं अपनी माइनक्राफ्ट, और यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल। सो गाइस तो भाई साहब अब मैं यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके थोड़े से ओक प्लांट्स बना लेता हूँ और स्टिक्स भी बना लेता हूँ, और एक वैसे हमें पिकेक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक रुक यार ये लो भाई अब हमें चाहिए एक पिकेक्स, ज़्यादातर एक पिकेक्स की यूज़ होती है। तो मैं फटाफट अपना क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेता हूँ, और सामने भाई हमें अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड है क्योंकि हमें विलेज मिल चुका है। फटाफट तोड़ो जल्दी 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 यार जल्दी। ओ ये विलेज तो अबैंडेंड है, मतलब इसके अंदर कोई भी बंदा नहीं है, मतलब ये ऑल दी हम सीधी मतलब लैंग्वेज में रहें तो ये विलेज डेड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यार, सॉरी फील हो रहा है इस विलेज के लिए। तो चलो भाई गाइस मैं तोड़ चुका हूँ सारे के सारे हेबल, तो मैं अपने शूट को मार देता हूँ। ओ यार और ये वीट भी दिख रहा है बहुत सारा। ओके मैं सीड्स भी मिल चुके हैं काफी, और ये इसकी ऐसी सबसे हेट ऐसी चीजें होती है जहां पे हम ट्रैप के अंदर फंस जाए। चलो भाई जल्दी जल्दी करके, और ये कंपोस्टर है नहीं कंपोस्टर ही पता नहीं क्या कहते हैं गाइस। तो गाइस भाई इतना जब तक मैं ये बीट सारा इकट्ठा कर रहा हूँ तो तब तक आप ये क्या हो रहा है वादे का। ओ शिट भाई इसे मैंने अभी के लिए मार चुका हूँ क्योंकि भाई शिट होली शिट यहाँ पे भाई से बचा अभी इन विलेजर्स को बचा के रखना है गाइस। ये देखो ये अभी अंदर हैं, इन्हें बचा के रखना है। ये विलेज अबैंडनड है, इसके अंदर जो भी मतलब जितने भी विलेजर होंगे तो हमें एक बेड भी मिल चुका है। तो हम लोग हमारा रात का तो वो हो गया, पर गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर तो कोई माल है ही नहीं यार। ले बेटे अब बाके दिखाओ मार दिया। ओके नॉट बैड यार, पर यार इस विलेज के लिए सॉरी फील हो रहा है यार।
पता नहीं अबैंडन कैसे हुई, मेरे को लगा ये जिंदा होगी विलेज। और यहाँ पे ढेर सारे पोटैटोज है मेरे पास। अब हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड है गाइस, अब हमारे को फूड की कभी कमी नहीं होगी, होगी मतलब भाई समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। पर यार इस विलेज के अंदर हम फिर कभी आएंगे। बाय टाटा विलेज। अरे हाँ मैं तो दिमाग ही खराब है यार मेरा। तो यहाँ से थोड़े से ओक लॉग्स माइन कर लेता हूँ। अरे यार ओके, सो हम लोग एक ओक लॉग माइन कर चुके हैं। अरे यार तो हम इस ओक लॉग को यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ से हम लोग एक एक्स बना लेंगे। एक्स से थोड़ा जल्दी काम होगा। अब थोड़ी सी वुड इकट्ठा करके हम लोग ले जाएंगे। और क्योंकि भाई अब मेरे को अपना जो ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा वो करना पड़ेगा एक्सप्लोर, क्योंकि अब ये विलेज तो अबैंडन है। और जब एरिया ऐसी की तैसी। चलो गाइस इसे मरने ही देते हैं यहाँ पे। मेरे को लगा आयरन गोलम होगा तो मेरे पास इंफिनाइट आयरन, इंफिनाइट तो नहीं बट आयरन तो हो। चलो गाइस, ओहो ओके गाइस, सो मैं आगे जाता हूँ अभी। तो भाई साहब यहाँ पे शीप ही शीप नजर आ रही है। अरे यार मेरे पास खाने की इतनी जल्दी फूड की वो हो गई, तो मैं फटाफट अभी अपना फूड खा लेता हूँ पके को। चलो गाइस आगे बढ़े। और गाइस अगर मेरे को कहीं पे स्टोन मिल गया तो मैं वहीं से माइनिंग स्टार्ट कर दूंगा, नो मैटर व्हाट। गाइस अगर सामने से मेरे को कोई भी मारेगा तो मेरे को एक शील्ड तैयार करनी है। तो यहाँ पे एक स्टोन है, मैं कोबलस्टोन अपने जो टूल्स को अपग्रेड कर लूँगा वुडन से स्टोन में। सो गाइस फ्यूचर के अंदर जो मेरी वीडियोस आएंगी, तो सब मतलब कि ये जो वीडियोस मेरी आएंगी फ्यूचर के अंदर, तो आपको ज़्यादातर या तो माइनक्राफ्ट की ही दिखेंगी। यस गाइस आई एम नॉट लाइंग टू यू। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्लेस दिस। ओके सो लेट्स गो, बूम बूम बूम। ओके सबसे पहले एक स्वॉर्ड बनाऊंगा मैं और एक पिकेक्स बनाऊंगा, बाकी मेरे को और कोई चीज़ों की तो ज़रूरत है नहीं मोस्टली, बट अब मैं इसे तोड़ लेता हूँ। अब हम लोग इजीली फाइट कर सकते हैं अगर कोई सामने आया। और यहाँ पे वैसे भी मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओह शिट, अगर यहाँ पे गाइस मेरे पर टॉर्चेज होती तो। ओ लावा यार, लावा को भी अब मैं ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर मैं ओक प्लैंक लगाऊंगा ये जल जाएगा। नहीं ओक प्लैंक से रुक गया। ओके नाइस, और पीछे नहीं यार ध्यान से, इसे तोड़ लेता मैं फटाफट। ओ कूल, थैंक गॉड। ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सबसे मेन है अपनी टॉर्च बनाना। यस गाइस अब हमारे पास इनफ है, तो हम फाइट भी अब हम आयरन फाइट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं यार। मैं अपनी टॉर्च वापस ले लेता हूँ क्योंकि हमें इस बार ही वेस्ट नहीं करनी अपनी टॉर्च, एक लगे रहने देते हैं कोई बात नहीं। तो मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। हमें कोई टॉर्च नहीं मिली, कोई सामान नहीं मिला गाइस, बेइज्जती है यार। अरे यार मेरे को लग रहा है कि मेरे को ब्रेड क्राफ्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो गाइस मेरे से। ओके गाइस ब्रेड, ओके अभी नॉफ हो गया। तो मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को और अपने बेड को प्लेस कर लेता हूँ। अपने बेड को प्लेस कर लेते हैं गाइस यहाँ पे, और ये सो जाएंगे।
अब आप गाइस मेरे को नो बोलो कि मैंने अबेंडेड विलेज यही छोड़ दिया, क्योंकि गाइस यार अभी हमारे पास इनफ वो भी नहीं था, मतलब कि हमें अभी आर्मर भी क्राफ्ट करना था। ओके गाइस मैं ओके यहाँ पे मेरे को ओके यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं, आई थिंक मेरे को यहाँ से कुछ मिल पाएगा। और स्नीक कर लेता हूँ, आ जा गाइस ये मर चुका अब, ही डाइड। और यहाँ पे बहुत बड़ी केव्स लग रही है मेरे को, नाइस। बस मेरे को आयरन फाइंड करना है जितना हो सके। ओके वन आयरन दिखा मेरे को, बट गाइस मेरे पास इनफ ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे आयरन तो बहुत है, मेरे पास इनफ ब्लॉक नहीं है, तो मैं यहाँ पे माइनिंग अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा कोल कलेक्ट कर लेता हूँ, हमें कोल मिल चुका है। ओके मेरे पास थोड़े से ब्लॉक, ओ मेरे पास 9 कोबलस्टोन है, से हो जाएगा काम। ओके मेरे पास एक अब मतलब क्लियर रास्ता है कि मेरे पास ब्लॉक्स हैं। ओके भाई सो भाई मेरे को पहले तो एक शील्ड बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरे को मारते रहेंगे ये। ओके बी केयरफुल। ओके मैं स्टिक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारी, और टॉर्चेस बना लेता हूँ फटाफट। यस अब टॉर्च इनफ आ गई मेरे पास। ये केव्स को एक्सप्लोर करना मुश्किल काम लग रहा है गाइस, क्योंकि अब यहाँ से रिस्की काम हो गया मेरे लिए। ओके मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाऊँगा। ओके नाइस, ओह शिट होली शिट होली शिट होली शिट। ओके गाइस मेरे को ऊपर ग्रेवल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके मेरे को अब ट्रेन हो गया। ओके यहाँ से तो नहीं गिरने वाला ग्रेवल। कोई नहीं, कोई भी ज़ॉम्बी आएगा। ओके 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 थैंक गॉड। अब मैं जाऊँगा गाइस ऊपर, सबसे पहले तो भाई मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस कर लूँगा। सो गाइस आप लोग कमेंट में भी मेरे को गेस कर सकते हो कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ या भी नहीं, या फिर मैं हमेशा की तरह नूब हूँ। ओके गाइस मेरे को एक कोबलस्टोन और ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हमें बनानी है फर्नेस। ओके फर्नेस लेट मी चेक, बन जाएगी। ओके यस बन जाएगी, तो हम लोग इसके अंदर डालेंगे फ्यूल और ये बन जाएगा। और हमें सिर्फ गाइस ओनली वन चाहिए आयरन इंगेट, जल्दी 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 क्विक क्विक क्विक, हाँ क्योंकि गाइस जल्दी से जल्दी आयरन आर्मर रेडी करना है। ओके गाइस सो गाइस अब मेरे को एक शील्ड रेडी करनी। ओके शील्ड आ गई है मेरे पास, अब मैं शील्ड को अपने यहाँ पे रेडी कर लूँगा। ओके लेट्स गो लेट्स गो। होली शिट भाई साहब। ओके मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को ब्लॉक्स की कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे गाइस। अगर मेरे पास जितने ब्लॉक्स होंगे उतना मैं सेफ रहूँगा, क्योंकि केव थोड़ी सी वो है। ओके नाइस 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 प्लेइंग। और यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्च क्राफ्ट करके रख लेता हूँ भाई साहब, मेरे को लग रहा है यहाँ पे आयरन ही आयरन होगा मेरे पास, पर मेरे को सेफ निकालना है। एक तो यार इनकी आवाज़ बहुत क्रीपी होती है स्पाइडर्स की, लिटरली बता रहा हूँ गाइस बहुत डर लगता है इनकी वॉइस से। ओके मेरे पास ब्लॉक्स हैं, शिट यार मेरे को ब्लॉक एक नाइस। ओके मैं कोल थोड़ा सा और निकाल लेता हूँ। बस इतना बहुत है कोल, अब हम जाएंगे ऊपर।
ओके गाइस, हमारी जो फॉर्नेस वगैरह है वो ठीक चल रही हैं। 5 आयरन इनगट हो चुके हैं, 5+8 आई डोंट नो। अरे यार ओके, मैं पटेटो खा के अपने। ओके सो गाइस, यहाँ पे मैं कुछ पटेटोज को बेक कर लेता हूँ। चलो मैंने और फ्यूल डाल लिया। ओके, मेरे पास बेक्ड पटेटो आ चुका है। अब यहाँ पे डालेंगे हम आयरन। ओके गाइस, सो अभी मेरे पास 5 आयरन इनगट का क्या बन जाएगा। ओके आयरन शूज। ओके नाइस गाइस। ओके 2-3। सो गाइज, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि गाइज मैंने अपने आयरन का मतलब कि हाफ आयनर आयरन आर्मर तो बना ही लिया। सो गाइज तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंड तक देखी तो भाई थैंक यू यार, दिल से थैंक यू। और मेरे लिए 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए थैंक यू। तो फ्यूचर में आप लोगों को गाइज सिर्फ मेरी माइनक्राफ्ट वीडियोज या फिर और कोई गेम्स की वीडियोज भी डाल दूंगा। अब मैं एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि गाइस टाइम नहीं मिलता है, स्कूल जाना पड़ता है। तो सो गाइस, बाय गाइस। अरे भाई, जाने से पहले ना सब्सक्राइब करके जाना गाइस, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में 4 दिन की मेहनत लगी है यार, मतलब 2 दिन।